हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने अपना व्लॉग इवनिंग में शुरू करा है क्योंकि अभी मैं स्कूल से आई हूँ। वैसे तो अभी हो रहे हैं अराउंड 4 एंड मैं सोच रही थी कि मैं रोज़ सुबह व्लॉग शुरू करती हूँ, तो आज मैं थोड़ा अलग व्लॉग शुरू करती हूँ क्योंकि फिर वो आप सभी के लिए बोरिंग हो जाता है कि रोज़ सुबह सुबह व्लॉग शुरू करना। तो मैंने सोचा कि आज शाम को व्लॉग शुरू करा जाए एंड आप सभी को अपनी ब्लॉगिंग के साथ एंटरटेन करा जाए। तो अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे अपना खाना एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दक्ष चला गया है अभी अपने कैर ओ ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ से गेट बंद कर रही हूँ, यहाँ से जाली बंद है, दोनों के बीच में पिच गई मैं। दक्ष अकेडमी चला गया है एंड अभी मैं आपको दिखा रही थी तो गेम खेल रहा था मेरे से, आज पता नहीं क्यों तेज़ क्यों बंद हो रहा है बार बार। तो वो गेम ना बेचारा बहुत अपना टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, उसको गेम अच्छा लगता है तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको कभी भी खेल सकता है। तो सुबह हम रेडी होते जल्दी जल्दी लेट उठ के, तो जब तो उसको टाइम नहीं मिलता गेम वेम खेलने का, तो फिर स्कूल से आगे जो अकेडमी और स्कूल जाने तक का टाइम है, मतलब 3 बजे हम स्कूल से आते, 3 के बाद भी आ जाते हैं और 4 बजे उसकी अकेडमी हो जाती है, तो उसके बीच में जो टाइम होता है वो खाना खाता है, ड्रेस बदलता है और फिर उसमें गेम भी खेल लेता है, तो वो यूटिलाइज वो कर लेता है। और मैं तो उस टाइम में कुछ नहीं करती हूँ थोड़ा बहुत ही, क्योंकि मुझे अकेडमी नहीं जाना होता, तो मैं आराम आराम से अपना काम करती रहती हूँ। और फिर वो घर आके भी खाना वाना खाता है, तो वो इसी टाइम गेम खेलता है ज़्यादातर, तो और थोड़ा बहुत रात को भी खेल लेता है जब आराम करने से पहले। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ब्रोडी शीरो को पापा ने बांधा है, तो हमने इनको बाहर बांध दिया है और अभी भी खड़ा हुआ है, पता नहीं अब इसको क्या चाहिए, अंदर भी बोल रहा था यहाँ भी अब खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या करना चाहता है। तो इसको अभी इग्नोर मारते हैं क्योंकि जब इसको ज़्यादा वो दे देते हैं ना, इसको देखते रहते हैं या फिर इसको ज़्यादा टेंशन दे देते हैं तो फिर ये एक्टिंग करने लग जाता है। हम आ चुके हैं अपनी छत पे जहाँ पे चल रही है बहुत अच्छी अच्छी हवा, मेरे कपड़े भी थोड़े बहुत उड़ रहे हैं, देखो अच्छा मौसम तो है, थोड़ा बहुत मिक्स है, जैसे कल हो रहा था ना, कल हो रहा धूप आ रही थी, छाँव आ रही थी, बड़ा छाँव आए बट गर्मी है थोड़ी बहुत। एंड देखते हैं, हमारी गंगा गोरी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर, शायद बांध ली है। ये दो और रहती हैं यहाँ पे भैंस, ये तो हैं यहाँ पे, बट हमारी शायद बांध ली पापा ने, पता नहीं। ओह दिख गई गोरी गंगा दोनों दिख गई, आपको नहीं दिखेंगी, यहाँ पेड़ के बीच में से दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिखेंगी अभी। गाइस एक और बात कि जल्दी से कमेंट कर बता दो कि मैंने अब 2 शॉर्ट्स बनाने की ट्राई करी, अभी मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड करे हैं अभी तक, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करा है कुछ मतलब न्यू करने का, तो होप आपको वो अच्छा लग रहा है एंड आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी से आगे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं एंड आपको और चाहिए क्या। एंड यस, मैं बैक यार्ड में आई तो राधा बोल रही है क्योंकि यहाँ पे अकेली बंदी हुई है, इसकी मम्मी और बड़ी दीदी वहाँ पर है, तो ये अकेली, तुझे भी जाना है क्या वहाँ, ये बहुत बार बोलती है, वैसे चुप भी रह जाती है और जब इसका मन करता है, जब ज़्यादा बोर हो जाती है तो बोलने लग जाती है। एंड मैं यहाँ आई हूँ ना, तो शीरो ब्रॉडी को भी मन कर गया यहाँ आने का, एज ऑलवेज वो अभी भी बोल रहे हैं, पापा ने स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर रखी है तो ये चारा लाए थे इसलिए। यस एंड यहाँ पे दाना रखा हुआ है, मतलब कि दलिया बोलते हैं जिसको, ठंडा होने के लिए, एंड जब भी ठंडा हो जाएगा तो दूध निकालने के साथ इसको यहाँ पे डाल देंगे इनके चारे में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो गाइस देखो ये जो ट्री है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत अच्छी शेड देते हैं, तो इनके नीचे आराम से खड़े होके रेस्ट कर सकती है हमारी गाय। एंड ये देखो मुझे यहाँ से आवाज़ आई तो मैंने देखा गौरी यहीं पे खड़ी हुई है, देखो गौरी गौरी गौरी, बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि जब भी खुले होते हैं ना तो इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता हमें हमारे साथ, तो क्योंकि ये हर वक्त रहते हैं ना बाहर जाके, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील करते हैं। देखो आसमान में कुछ फ्लाइज उड़ रहे हैं जिनको हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं, आपको भी पता होगा हम बचपन से ही इनको जो ये फ्लाइज होते हैं इनको हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं, थोड़े बहुत दिख रहे होंगे आपको ये, इनसे मुझे डर लगता है, भले ही पता है काटते नहीं है पर पता नहीं क्यों डर लगता था मुझे इनसे, अभी भी थोड़ा बहुत लगता है, मैंने इनको आज तक हाथ नहीं लगाया है। अभी अंदर आ चुकी हूँ एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा काम कर लिया जाए, तो अब मैं रिविजन कर लेती हूँ अपनी हिस्ट्री में एंड अब तो कंटिन्यूसली ऐसे यूटीज चलते रहेंगे तो प्रिपरेशन ही चलती रहेगी हर रोज़, अब ख़त्म हो जाएंगे फिर दोबारा तीसरे मतलब थर्ड यूटी आ जाएंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। एंड तो मैं यूँ नहीं कह सकती कि मैं थोड़े दिनों का ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि ब्रेक तो लेना ही नहीं है, साथ साथ में आपको भी अपडेट देती जानी है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, तो अभी मैं ये पढ़ लेती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ।
तो गाइस अभी हो गया 6:30 एंड मेरे साथ यहाँ पे है एंकरिंग कर रही हूँ मेरे दक्ष। साथ यहाँ पे दक्ष। आपके साथ है अभी दक्ष क्योंकि अभी हो रहा 6:30 वैसे मैं आता हूँ 7:30 क्योंकि आज एकेडमी की छुट्टी हो चुकी है क्योंकि आज बारिश हुई है तो गाइस बार बार बारिश आ रही है और बंद हो रही है तो मैं बार बार आपको दिखाने जाती हूँ एंड फिर बंद हो जाती है पता नहीं क्या हमने खेल रहे थे ड्रिल कर रहे थे मतलब पॉइंट शुरू हुए थे जब से ड्रिल कर रहे थे ड्रिल में बारिश आई नहीं जब हम बारिश चाहते थे जब तो आई नहीं जब मैच शुरू हुआ तब आ गई एक दो बूंद आई हमने सोचा इग्नोर मार देते पहले भी आई थी थोड़ी देर पहले भी आई थी बारिश हमने सोचा इग्नोर मार देते हैं फिर सर ने कहा तूफान आने वाला है वहां से क्या आने वाला तूफान गाइस तूफान आने वाला है सॉरी तूफान आने वाला है तो फिर सर ने कहा आने वाला है तो हमने ना हमने ऐसे देखने लग गए उस तरफ जैसे ही देखा राम जी गरज गया और हम बिल्कुल भाग भाग के भाग भाग गए क्या लैंग्वेज है दिस इज माय स्टोरी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू तो गाइस ये देखो क्या है इसमें है इसके पास कुछ है दिखा पाए इसमें है मास्क और तो कुछ ऑर्डर प्लेस करा था जिसमें है मास्क बहुत सारे एक पैक में सो नहीं होंगे दोबारा गिन दोबारा देखो मैं गिनती हूँ मेरी अंतर आत्मा इसको गिन लेगी इसमें है 50 और इसमें भी गिन लेती हूँ इसमें भी है 50 क्योंकि गाइस सिंपल डिब्बे पे 100 लिखा है तो 50-50 ही होंगे ना तो गाइज अब मैंने अपनी रिवीजन कर ली है हिस्ट्री की एंड अब मैंने खाना खाना है क्योंकि बहुत देर से मम्मी बुला रही है पहले खाना खा ले और फिर रिवीजन कर लिया बट फिर मैंने सोचा पूरी करके आऊँ अभी भी थोड़ी बहुत रह रही है तो मतलब अभी मैं सोच रही हूँ बंद करूँगी और सॉरी गाइज मैं भूल गई अपने व्लॉग को करना तो अभी तो फिलहाल रात हो चुकी है तो मैं उतना व्लॉग नहीं कर पाऊंगी तो आपको आज बड़ा ही छोटा सा व्लॉग मिलाऊंगा तो होप आप इसको लाइक ज़रूर कर देना एंड मैं अब प्रॉपर व्लॉगिंग करने की कोशिश करूंगी आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पर्दे लगा दिए क्योंकि रात हो गई है तो अब मैं खाना खाने जाती हूँ एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए शॉर्ट्स चाहिए जो भी मतलब आपको अभी आर्ट वीडियो चाहिए शॉर्ट वीडियो चाहिए चैलेंज वीडियो चाहिए और या फिर व्लॉगिंग ही चाहिए तो आप वो सभी बता सकते हैं मैं आपकी रिक्वेस्ट भी मान लूंगी एंड यस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग ऑन कंटेंट के साथ तब तक के लिए क्या करें गुड बाय कर दे गुड बाय